पढ़ते हैं खबर की ओर। मंगलवार को सीएम शिवराज आचार्य शंकराचार्य प्रकोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए हैं, जहां सीएम अपने संबोधन में कहा कि आज आचार्य भगवान शंकराचार्य का प्रकोत्सव है। यदि आचार्य जी न होते तो ये भारत देश नहीं होता। उनके कारण देश की संस्कृति बची हुई है। एकात्मकता का संदेश उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिया। भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम तक भारत को जोड़ा था, आचार्य शंकराचार्य ने चारों तरफ से भारत को जोड़ दिया है। आज विश्व की संस्कृति यहाँ और यहाँ की विश्व में है, इसलिए बिगड़ने के चांस ज्यादा है। इसलिए शिवराज सिंह का कार्य सराहनीय है और इसको पूरा करने के लिए सबको संकल्पित तो होना चाहिए। ओम शांति सर। और आज मैं कह रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैंने लघु फिल्म में भी कहा था, आज सभी संतों के बीच में फिर दोहरा रहा हूँ, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कराएगी तो भारतीय संस्कृति या अद्वैत वेदांत ही कराएगा, और कोई मार्ग है ही। तो सरकारें निर्माण और विकास के काम भी करें, लेकिन लोगों को सही दिशा देने में भी तो सहयोग प्रदान कर दो। किस काम की सरकार अगर आचार्य शंकर के संदेश को, आचार्य भगवत पाद के संदेश को हम जन जन तक ना पहुंचा पाए।